नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 10वीं और 12वीं पास हैं और रेलवे के अंदर टिकट क्लर्क के पदों पर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं 2019 के अंदर, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे टिकट क्लर्क भर्ती 2019 के बारे में, जिसका पूरा का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और 23 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने भी शुरू हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही वीडियोस की आगे भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपको बता दें कि रेलवे के द्वारा टिकट क्लर्क की भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है, जहां पर मिनिमम 10th+2 यानी कि 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो आपको लगभग 45,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा और उम्र की बात करें तो 18 साल से लेकर 47 साल का कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएगा। महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। पूरे भारत से आवेदन किया जा सकता है। तो चलिए नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन का लिंक और आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से क्लिक करके आप लोग naukrikhabar.com के इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पे आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर 19, 2019 का बड़ा अपडेट आ चुका है। SWR रेलवे टिकट यहां पे क्लर्क ऑनलाइन फॉरम है 2019 के लिए, और यहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे वैकेंसी डिटेल की बात करें तो आपको टोटल 386 यानी कि 386 पोस्टों पर ये भर्ती देखने को मिलेगी। और यहीं पे बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की, तो 23 अक्टूबर 2019 से लेकर आप लोग 20 नवंबर 2019 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट जब भी आएगा naukrikhabar.com वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले अपडेट दे दी जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2020 से गिनी जाएगी। कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 42 साल का कोई भी कैंडिडेट आवेदन कर सकता है। इसके अलावा OBC के लिए 45 साल तक का और ST/SC के लिए पूरे 47 साल तक की उम्र रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए बिल्कुल फ्री, और यहाँ पे SC ST PH और ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि सभी कैंडिडेट की जो महिलाएं हैं कैटेगरी की, उनके लिए भी बिल्कुल फ्री रखा गया है। बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल की, तो आपको यहाँ पे दो तरह की पोस्टें मिलेंगी। एक तो हो गया सीनियर, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसके लिए 160 पोस्टें हैं, और दूसरा हो गया यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसके लिए 226 पोस्टें रखी गई हैं। तो आपको इन दोनों पोस्टों के लिए आवेदन करना होगा। फर्क बस इतना है कि आपको सीनियर में आवेदन करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, और ये जो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है इसके लिए आपको केवल 10th+2 मांगा गया है। आगे बात कर लेते हैं पे स्केल की, तो हमने बता दिया कि आपको लगभग 44 से 45 हज़ार रुपये मिलेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम कम से कम आपका जो है तो 10th+2, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 10th+2 लेवल का आप लोगों ने एग्जाम दिया हो, वो भी 50% मार्क्स के साथ। कैसे आवेदन करना है, रिक्रूटमेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगेंगे। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, और यहाँ पे मेडिकल टेस्ट भी रखा गया है। उसके अलावा जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है यहाँ पे, वो 23 अक्टूबर को एक्टिव हो जाएगा। नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ चुका है, जो कि मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि 17/10/2019 यानी कि 17 अक्टूबर को इशू किया गया, जारी किया गया। आप लोग यहाँ पे 20/11/2019 यानी कि 20 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी यहां पे बताई गई है कि 160 पोस्टें हैं सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए, और यहां पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 226 पोस्टें हैं। एक के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है और एक के लिए 10th+2 यानी कि यहां पे 12th पास मांगा गया। साथ में एज के बारे में सारी जानकारी आप लोग यहां पे देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।